घर लौटे 20 लाख लोगों को रोजगार देगी योगी आदित्यनाथ सरकार, कम से कम मिलेंगे 15,000 रुपए प्रति माह। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हम आपको बताएंगे कि 17 मई के बाद क्या मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाएगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए खबर को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों बता दें कि लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश के तमाम राज्यों से लौट रहे 20 लाख प्रवासी कामगारों को रोजगार दिलाएगी। साथ ही सभी को कम से कम 15,000 की सैलरी की गारंटी दी जाएगी और उनके काम के घंटे और सुरक्षा भी सुनिश्चित होंगे। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गांव और छोटे शहरों में लेबर रिफॉर्मेंस के जरिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने की नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स में रखे गए श्रमिकों की कार्यकुशलता का डाटा तैयार करें। इस आधार पर सभी को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर से यूपी में लौटे कामगारों की भर्ती नए उद्यमों के साथ पुराने यूनिट्स में की जाएगी। काबिलियत के हिसाब से उन्हें रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के साथ परफ्यूम, अगरबत्ती, कृषि उत्पादों, फूड पैकेजिंग, गाय संबंधी उत्पाद, फूल से जुड़े उत्पाद, खाद और फर्टिलाइजर के व्यापार से जोड़ा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, संरक्षित खेती, पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर, प्याज भंडार आदि के कार्य प्रवासियों को दिए जाएंगे। युवाओं को रोषपूर्वक प्रशिक्षण देना भी इसी योजना में शामिल है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की मदद से महिला कामगारों को भी नौकरियां दी जाएगी। सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश का लघु और मध्यम उद्यम चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में आ रहे प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए 20 लाख को रोजगार देने की कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही आपको बता दें कि अब तक 114 ट्रेनों के जरिए लगभग 1.2 लाख से अधिक लोगों की वापसी कराई गई है। यूपी में रोजाना 40 ट्रेनों को लाने की व्यवस्था की गई है। प्रवासियों को लाने के लिए 58 और ट्रेनें जल्द ही चलाई जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर, क्या 17 मई के बाद मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाएगी या नहीं। जानिए 5 वो वजह जो कर रही इशारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर देश में लागू लॉकडाउन 17 मई के बाद खत्म होगा या नहीं, यही सवाल सभी के मन में चल रहा है। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, यह तो सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही तय होगा। लेकिन देश में कोरोना वायरस के कारण जिस तरह से हालात होते जा रहे हैं, उससे नहीं लग रहा कि लॉकडाउन अभी खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिन पर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है। साथ ही बता दें कि लॉकडाउन खत्म नहीं होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण पलायन मजदूरों की घर वापसी है। अभी तक देश में सिर्फ 2.5 लाख मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 1.4 करोड़ लोग माइग्रेट मजदूर हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बता दें कि कोरोना वायरस पर काम कर रहे 3 बड़े संस्थान देश से लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में नहीं है। इनमें एक एम्स और उसके निदेशक, दूसरा ICMR और तीसरा स्वास्थ्य मंत्रालय। दोस्तों भारत में पिछले 7 दिनों में मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी मृत्यु दर 3.3% है, जो कि पहले की तुलना में काफी अधिक है। कोरोना वायरस के उपचार के लिए सरकार के पास अभी लॉकडाउन के अलावा कोई बड़ा हथियार नहीं है। माना जा रहा है कि देश में जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती है या कोरोना की रफ्तार मंद नहीं पड़ जाती है, तब तक सरकार शायद ही लॉकडाउन खत्म करे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।